This conference will now be recorded. हेलो फ्रेंड, देखिए आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ, इस टॉपिक या इस सेशन के अंदर हम लोग जो टॉपिक सीखने वाले हैं कि किस तरीके से वेबटेल सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाता है। लास्ट क्लास में हमने वेबटेल सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना सीखा था, अब इस सेशन में हम लोग वेबटेल को इंस्टॉल करना सीखेंगे। तो वेबटेल, जैसे भी आप सभी जानते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड होता है वो हमारी किस लोकेशन में आता है, डाउनलोड लोकेशन पर जाता है, और हमने भी जो भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करा था वो हमारी इस लोकेशन पर आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, वेबटेल पर आना और यहाँ से उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड इंस्टॉल करना है। लेकिन हमने जो वेबटेल का सॉफ्टवेयर अभी डाउनलोड करा था उसका सेटअप कहाँ पर है, सेटअप ये रहा। इस पर राइट क्लिक कीजिए, एक्सट्रैक्ट फाइल हेयर पे क्लिक कीजिए ताकि आपका फाइल बन जाए। जैसे क्लिक करोगे आपके टॉप पर एक फाइल बन के आ जाएगी जिसका नाम है सेटअप डाउनलोड, और बस आपको इसी पे क्या करना है, इंस्टॉल। लेकिन ये जो सेटअप डाउनलोड बन के आया था, ये वो लिंक था जिससे आपका फिर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना शुरू होता। और जब मैंने ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया था उसके बाद मैंने अपनी डेस्कटॉप पर लोकेशन दी थी। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन लोग करते हैं, जो सेटअप आप लोग डाउनलोड करते हैं उसकी लोकेशन तो डाउनलोड फोल्डर होती है, लेकिन वेबटेल दोबारा उससे एक बार पूछता है कि जो अभी सेटअप इंस्टॉल होगा वो कहाँ होगा। तो ये बाय डिफॉल्ट लोकेशन आपकी डाउनलोड पे आती है, उसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उसको अपने डाउनलोड फोल्डर में रखना चाहते हैं या स्पेसिफाई लोकेशन पे रखना चाहते हैं। यही चीज मैंने सबसे पहले अपनी डिफॉल्ट लोकेशन, जहां मेरा डाउनलोड का सॉफ्टवेयर कोई भी डाउनलोड होके जहां जाता है वो लोकेशन मैंने वहां दे दी। उसके बाद जब वेबटेल ने पूछा कि सर जो आप वेब ई टीडीएस सॉफ्टवेयर डाउनलोड करोगे उसको इंस्टॉल कहाँ रखोगे कहाँ पर, तो मैंने उसको डेस्कटॉप की लोकेशन दी कि सर आप जो भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना उसकी लोकेशन डेस्कटॉप। ठीक है, उसके बाद सॉफ्टवेयर को पहले सबसे पहले एक्सट्रैक्ट फाइल करके सॉफ्टवेयर को अलग करो, सॉफ्टवेयर अलग हो जाए, उसके बाद इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करो। इंस्टॉल करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, बस वेब ई टीडीएस पर आएंगे। जैसे आप वेब टीडीएस पर आएंगे, अगर आपका टीडीएस मल्टी यूजर होता तो आपको यहाँ मल्टी यूजर मिलता, बट आपका टीडीएस फिलहाल अभी सिंगल यूजर 2018-19 में, तो आपको सिंगल यूजर। बट आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको चेकआउट करना है कि आपकी फाइल एक्सट्रैक्ट प्रॉपरली हो गई है। एक्सट्रैक्ट हो गई है तो फिर आप इसको हटा दीजिए और अपने ई वेब टैक्स पे चले जाइए और सिंगल यूजर और इसको सेटअप को रन कीजिए। रन करने के लिए आपको उसको क्लिक करना है और कोशिश करना कि आप सेटअप पर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करें, इसको ऑन कर दीजिए, ये आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। बस आपको इंस्टॉल बटन पर क्लिक करना है, आपकी इंस्टॉलिंग स्टार्ट हो जाएगी। इंस्टॉल होते वक्त आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेता है, क्योंकि एक इसके अंदर सारे स्टेप फोकस किए जाते हैं कि आपको किस तरीके से करना है। ठीक है, नेक्स्ट करें, फिर एक्सेप्ट। अगर आप इनकी कंडीशनों को रीड करना चाहते हैं तो एक कंडीशन रीड कर सकते हैं, उसके बाद आगे जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट कीजिए, आपको जो भी नाम सेव करना है वो नाम रखिए, एंड देन कंप्लीट, मैंने कहा कंप्लीट, उसके बाद इंस्टॉल बटन पर क्लिक कर। जैसे आप इंस्टॉल बटन पर क्लिक करेंगे आपका वेबटेल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना स्टार्ट है। बट ये डिपेंड करता है आपके सिस्टम के ऊपर कि आपका सिस्टम कैसा है। अगर आपका सिस्टम फास्ट होगा तो आपका सॉफ्टवेयर जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा, अगर आपका सॉफ्टवेयर थोड़ा स्लो या अगर डाटा ज्यादा है सिस्टम में उसके जरिए आपका इंस्टॉल धीरे धीरे होता है तो आपको वेट करना पड़ेगा। जैसे मेरे सिस्टम में अभी इंस्टॉल स्टार्ट हो गया, अभी 2 या 3 मिनट के अंदर ये हमारा सॉफ्टवेयर प्रॉपरली इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे इंस्टॉल होगा हमारे डेस्कटॉप पर एक फोल्डर बन के आ जाएगा, जिस एक आइकन बन के आ जाएगा जिसपे लिखा होगा वेबटेल और टीडीएस का आइकन बना हुआ है। जैसे कि अभी बस 2 मिनट के अंदर ये वेबटेल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने वाला और इसका सेटअप का आइकन यहाँ पर आगे देखिए, यहाँ पर आगे जो जो कंडीशन होनी चाहिए थी वो सब यहाँ पर आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले होती जा रही है। ठीक है, कंप्लीट हो गया, 2 मिनट रुकेंगे आप, फिनिश का मैसेज आएगा आई थिंक। ठीक है, हो गया, इस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो रही है, इस मैसेज को कैंसिल नहीं करना, इसको चलने दीजिए। This conference will now be recorded. देखिए मैसेज आ गया कि आपकी इंस्टॉल पूरी कंप्लीट हो गई है, और उसके बाद आप क्लिक, जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपका वेबटेल सॉफ्टवेयर स्टार्ट है। लेकिन अभी याद रखना, जो भी हमने वेबटेल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कराए ये हमारा डेमो मोड पर है।
डेमो मोड का मतलब आप सभी जानते होंगे कि ये कुछ टाइम पीरियड के लिए हमें दिया गया है, ठीक है।